ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए तिल गुड़ के लड्डू। तिल गुड़ गया और गोड़ गोड़ बोलिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हाँ, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए पानी रखा है गैस पे, तो अभी सबसे पहले मैं नहाई हूँ, पूजा करूँगी, सूरज देवता को जल चढ़ाऊंगी और अभी सब नहाएंगे। और तिल्ली से नहाते हैं सब लोग सुबह सुबह, हाथ पैर में तिल्ली लगा के ही नहाते हैं और कोई कोई पानी में भी डाल के नहाते हैं। तो मैं नहा चुकी हूँ, पूजा करूँगी और खिचड़ी बनती है आज फीकी, तो वो बनाऊँगी। मकर संक्रांति के दिन ये फीकी खिचड़ी बनती है एमपी में। तो ये देखिए, मैंने चावल ले लिया गिलास और उसमें मूंग की दाल ही डालेगी बस। एक गिलास मैंने चावल ले ली हूँ और ये मूंग की दाल। तो ये दाल है मूंग की और चावल से ही फीकी खिचड़ी बनेगी और गुड़ और घी डाल के खाएंगे। तो मैं अब खिचड़ी बना लेती हूँ। ये चावल और मूंग की दाल है, अब इसको धो लाती हूँ। मैं धो लूँगी अभी 2-3 बार। सबसे पहले मैंने नमक डाल ली इसमें, सिर्फ कुछ नहीं लगता ये फीकी जो खिचड़ी बनती है ना मकर संक्रांति की, तो इसमें नमक हल्दी डालूंगी बस। ये जो खिचड़ी है ना फीकी, जो मेरे मायके में बनती थी शुरू से, वो संक्रांति पे और ससुराल में भी है बनती है, तो जो रीति रिवाज है वो तो करना ही पड़ेगा। और ब्राह्मणों को भी देते हैं और मंदिर में भी प्रसाद चढ़ा के आते हैं तिल के लड्डू का। मैंने खिचड़ी रख दी थी बनने के लिए गैस पे, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। और ये दुकान जाएंगे तो पहले उनको नाश्ते की तो आदत है, तो नाश्ता दे दूँगी खिचड़ी का प्रसाद, और भगवान को भी भोग लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी दूसरे काम करके। सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। घी और गुड़ डाल के मैं अब दे देती हूँ बच्चों को भी, इनको भी। सबसे पहले आप लोगों के लिए तिल गुड़ के लड्डू। तो ये लीजिए तिल गुड़ क्या और गोड़ गोड़ बोलिया। तो ये महाराष्ट्री भाषा है, आप समझ गए होंगे क्या बोला मैंने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को तिल्ली संक्रांत मतलब संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए तिल्ली की गुड़ पट्टी का आज बहुत महत्व है। तो दोस्तों, आप सभी को आज मैं बोलना चाहता हूँ, तिल गुड़ घ्या और गोड़ गोड़ मना। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोशनी कहाँ गई है, तो वो अभी नहाने गई है और रंगोली बनाई थी पहले उसने। तो ये देखिए रंगोली बनेगी अभी। रंगोली का डिब्बा था, वो कुत्ता लेकर भाग गया था और सारा रंग गिरा दिया वाइट कलर का। तो रोशनी ने ये छोटी सी रंगोली बनाई गुस्से गुस्से में, जैसी भी है अच्छी है, अच्छी लग तो रही है। रोशनी के पापा तो दुकान चले गए हैं, प्रफुल्ल ने दोनों ने खा ली है वो खिचड़ी बनाई थी, वो फीकी खिचड़ी, और अब रोशनी और मैं खाऊं। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। पूरा खाना तो बनता है आज। रोशनी के पापा दुकान चले गए हैं, वो जो खिचड़ी बनाई थी मूंग दाल की, तो वो खा के दुकान चले गए हैं। और उसके बाद मैंने मम्मी का फोन आ गया था, आज संक्रांति थी तो तिल्ली संक्रांति, मम्मी का फोन आया था, भाभी का फोन आया था। होता ना कि आज ये त्यौहार पे बेटियों की याद आ जाती है मम्मियों को भाभियों को, तो फोन आया था। तो काफ़ी देर हो गई मेरे को आज बात करने में और काम में, तो मैं अब खाना बनाऊंगी। खाने में पूरी सब्जी बनाऊंगी, आलू की सब्जी पूरी, आलू मटर फली के दाने की पूरी सब्जी, और पूरियाँ बनाऊंगी, आटा रखा हुआ है, और देखती हूँ शाम को फिर कुछ अच्छा सा बना लेंगे।
यहाँ मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी पूरी बनाने के लिए। और साइड में सब्जी भी बन रही थी आलू मटर की, तो मैं बार बार देख रही थी सब्जी को कि हुई कि नहीं, बनी कि नहीं। और उसके बाद प्रफुल्ल और मैं खाना खा लूँगी, रोशनी को बोला था खाने खाने का, तो वो पढ़ाई कर रही थी, पेपर था, तो उस वो बाद में खाना खाएगी। और ये देखिए पूरी हमारी बनना चालू हो गई, और एकदम मैंने पूरी बनाई ना तो एकदम फूली फूली बन रही थी पूरी। और मैंने आटा रख दिया था क्योंकि रोशनी के पापा आए नहीं थे दुकान से, तो वो आएंगे उसके बाद ही मैं गरम गरम पूरी बनाऊंगी। और सब्जी बन गई थी तो मैं उसमें धनिया भी डाल लूंगी। अब रोशनी खाना खा रही है, बेचारी आज बहुत थक गई है काम कर करके। और मैंने और प्रफुल्ल ने तो खा लिया खाना, अभी आपने देखा ही होगा, अभी रोशनी के पापा आए नहीं खाना खाने, पता नहीं क्यों आज लेट हो गए बहुत। और ये पूरी तली थी, उसके साथ साथ हमने आलू की चिप्स भी तली थी, तो वो खा लेते हैं। ये घर पे ही बनाई थी मैंने गर्मी के मौसम में, तो ये घर की चिप्स है। बाहर जाम वाले भैया आ गए थे तो मैंने जाम भी ले लिए थे 1 किलो, तो पन्नी भी नहीं थी और कुछ बर्तन भी नहीं ले गई थी, तो मैंने जो साल ओढ़ी थी उसी में लेके आ गई थी। और मुझे नमक और मिर्ची भी दिए थे साथ में पत्ते पे। हमने खाना खाने के बाद ये आ गए थे तुरंत, तो इनको भी पूरियाँ बना के दे दी थी गरम गरम। उसके बाद गैस या साफ करा, बर्तन तर्तन धोए और सो गए थे बच्चे और मैं, तो अभी उठी और झाड़ू लगा रही हूँ सब दूर के शाम की। उसके बाद दिया बत्ती करना है। लावण्या तेरे को मैंने बोली थी ना कि कल लड्डू देऊंगी, ये हाँ। और ये तुम सब खाओ, ये लो। ये हमारी कॉलोनी के बच्चे हैं, तो ये तिल गुड़ देने आते हैं हर साल यहाँ पे संक्रांति के रोज, और रोशनी भी उन्हें दे रही है सबको। आराम से जाना। श्याम की दिया बत्ती रोशनी कर रही है क्योंकि मुझे बाहर जो कपड़े रखे थे उनको लाके घड़ी करना था सबको। ये बाहर भी दिया लगा देगी रोशनी तुलसी माता जी पास। ये देखिए रोशनी क्या हो रहा है, पढ़ाई कर रही हूँ अब। अच्छा, बहुत मेहनत करती है दिन भर मेरे साथ में, और अभी कल पेपर है तो पढ़ाई कर रही है। इसको पढ़ाई करने देते हैं, पढ़ाई करने देते पेपर है तो। और प्रफुल्ल के तो अभी सुन रहे हैं कल से 15 तारीख से 30 तारीख तक की स्कूल सब बंद हो रही है, प्राइवेट हो कि सरकारी। रोशनी की तो अभी शायद कॉलेज है, पेपर चल रहे तो कॉलेज तो अभी चालू रहेगी। जो एमपी की सारी स्कूल है वो शायद 15 तारीख से 30 तारीख तक बंद रहने वाली है, लेकिन प्रफुल्ल की स्कूल सीबीएसई है तो अब उसका पता नहीं, अब वो सेंट्रल से ऑर्डर आता है, यहाँ पे एमपी से उनका कोई मतलब नहीं है अभी। तो तेरी तो लगेगी ना कॉलेज की, कॉलेज भी बंद हो गई। हमारा तो अभी पेपर है। अच्छा, पेपर है इसलिए जाना पड़ रहा है ना। तो अधिकतर घर पे ही रहती रोशनी, पढ़ाई करती है घर पे ही, और रोज कॉलेज भी नहीं जाते। कॉलेज का तो ऐसे ही है, कभी जाओ तो जाओ नहीं तो घर पे पढ़ाई होती। ये आ गए हैं अब दुकान से रोशनी के पापा। हेलो गाइस, ठंड लग रही है और मास्क पहन के रखा है, मास्क भी पहना है और जर्किन वगैरह कुछ भी नहीं पहन रहे। जर्किन दुकान पे छूट गई और ये ब्लाउज लिया, आज वीडियो बनानी है मेरे चैनल के लिए, और मैं ऐसे ही आ गया हूँ आज घर, तो आज मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है,
देखते हैं कल क्या होता है। मैं दुकान से आ गया हूँ और टी शर्ट पे आ गया हूँ क्योंकि दुकान में गर्मी लग रही थी, अंदर पूरा पैक है कांच से, तो वहां ठंडी का कोई सवाल ही नहीं, और मेरा जो जर्किन था वही छूट गया। अब रास्ते में जब आते आते मुझे ठंड लगी तब मालूम पड़ा कि बाप रे ठंड तो बहुत ज्यादा है। तो देखिए आते आते मैंने दो सेव के पैकेट ले आए, आज मकर संक्रांति है, पीठे के साथ कुछ तीखा होना चाहिए, इसीलिए मैंने दो सेव के पैकेट ले आए। आज का हमारा तिल गुड़ का संक्रांति का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बहुत कम हो रही है तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।